अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान फैंस एंड ऑल्सोस में खुश आमदीद। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से एक और डेवलपमेंट जो कि अर्जेंट टाइम की GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्जेंटाइन ने अभी इस चीज़ को क्लियर किया है कि किसी फायर जेट के हवाले से डील साइन नहीं हुई है और अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानब से फायर जेट्स की टेक्निकल और फाइनेंशियल इवेल्युएशन की जा रही हैं। बेसिकली जो बजट ड्राफ्ट पेश किया गया था वो अर्जेंटाइन ए फोर्स की जानब से सबमिट करवाया गया है जिसमें स्पेशली GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से मेंशन किया गया हुआ है। आप इसे कह सकते हैं कि जिस तादाद में इस पूरी चीज़ को हाईलाइट किया गया है उसके नतीजे में एक तरह से अर्जेंटाइन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये स्टेप बैक लेना पड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली अभी ड्राफ्ट मुकम्मल नहीं किया गया है और अभी टोटल प्रोसेस जो है मुकम्मल होना जारी है। सो इस हवाले से अभी ऐसा मालूम होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने इस बारे में अभी मुकम्मल अनाउंस नहीं किया है लेकिन FFA यानी अर्जेंटाइन एयर फोर्स ने एक तरह से सबके सामने ऐलान कर दिया है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की परचेज करेंगे और इसमें अर्जेंटाइन एयर फोर्स की ऐलान से जो है एक तरह से 99% पुख्तगी आ चुकी है कि उनकी जानिब से कौन सा तैयारा चूज किया जाना है। और वाइल हम जब इस चीज़ पे बात कर रहे हैं तो हम GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से जो ब्रिटिश रेजिस्टेंस और जो इंडियन प्रोपेगेंडा के साथ आया है उस पर भी बात कर लेते हैं। सो इस अनाउंसमेंट के बाद के अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की जानब से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 परचेज किया जाना है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या एक स्ट्रॉन्ग जो है अपोजिशन इसके हवाले से ब्रिटिश अथॉरिटीज की जानब से हमें देखने को मिली है इस सेंटिमेंट को फैलाने में कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट नहीं खरीदना चाहिए। इंडियन डिसइंफॉर्मेशन का भी इसमें बहुत अहम हिस्सा रहा है लेकिन माजी में जहां मुझे लगता था कि ये बेहतर रहेगा कि चाइना की जानिब से इस डील को हैंडल करना चाहिए ओवर द टाइम मेरा ओपिनियन इस पर यकीनन चेंज हुआ है और अगर पाकिस्तान की जानिब से भी ये डील हैंडल की जाती है तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऑल्दो अभी तक जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक चाइना की जानिब से ही ये डील हैंडल की जा रही है लेकिन किसी भी चाहे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन या पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से ये डील हैंडल की जाए इसकी परचेज का एक सम जो है दूसरी पार्टी को जरूर मिलता है लेकिन अगर पाकिस्तान की जानिब से भी ये डील हैंडल की जाती है तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये एक बिजनेस डील है और उसे एक बिजनेस डील के तौर पे ही लेना चाहिए। इवन अर्जेंटाइन एयर फोर्स के जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स की रिजेक्शन है वो भी यूके की जानिब से एक बिजनेस डील के तौर पे ही ली गई है। यूके की जानिब से बहुत से ममालिक के साथ बिजनेस किया जाता है जिनकी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा अहम रिजर्वेशंस मौजूद हैं लेकिन उनको भी बिजनेस डील के तौर पे लिया जाता है। सो हमें इसे एक बिजनेस डील के तौर पे ही लेना चाहिए और जहां तक इस पूरे मामले में जिसकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनका हम सबको इल्म मौजूद है।